Hello everyone, this is me Abhinav Mishra back with another video. Good morning or cheers. कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, तो जो इससे प्रीवियस वीडियो था ना, तो उस पर एज सच बहुत कम व्यूज हैं अभी तक, ठीक है। और क्या है कि उसमें मैंने विनर अनाउंस कर दिया था और संडे को वीलॉग शूट तो हुआ था, बट क्या नाम फाइल ही क्रैश हो गई। अब वो प्रॉपरली नहीं हो पाया, ऐसे मैंने डाला ही नहीं उसको, है ना। तो आज मंडे का वीलॉग आएगा, ठीक है। और 75 डेज हार्ड चैलेंज मेरा तो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, और प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। क्या चाहिए तुम लोगों को? बच, अब जाओ वो वीडियो बना दो, इनको पता नहीं वीडियो से प्रॉब्लम है। या बैठ जा मेरे पास बैठ जा, सिट, अब वीडियो में आ जाओ, वहां देखना है। तो जो उसमें विनर अनाउंस कर दिया मैंने, बताया आप लोगों को, तो विनर तो अनाउंस कर दिया है। अब उसमें सीन ये है कि भाई जो विनर है, स्कूबी इधर आओ, विनर है, उस विनर को बेसिकली क्या है ना, उसमें कमेंट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको बता पाऊंगा कि आप जीते हो और आप लेके जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और माइक जो है एकदम पैक्ड पड़ा है अभी, बिल्कुल अनटच कंडीशन में उसके बाद, और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आप उसको मतलब यूज करिएगा तो आपको पता लगेगा ना। चलिए ठीक है, जो भी है, तो ये एक गिव अवे मैंने कंप्लीट कर दिया और आज दूसरा गिव अवे करने वाला हूँ, जो मैं वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा और क्या है वो गिव अवे, और वो क्या फिटनेस रिलेटेड गिव अवे है और अच्छा गिव अवे है। मतलब ऐसे सारे गिव अवे अच्छे होते हैं, है ना। तो वो फिटनेस रिलेटेड गिव अवे है और उसमें है कुछ ऐसा जो मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में कहां बताऊंगा ये नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और कोई गिव अवे फेक नहीं है। मैंने बोला था ना, एक गिव अवे कर दिया मैंने, दूसरा गिव अवे ये, ठीक है। दूसरा मतलब फर्स्ट जो गिव अवे था वो तो मैंने आपको बताया, अक्टूबर मंथ के किसी भी टाइम कर दूंगा जो गिम्बल का है, क्योंकि मेरे को उसमें चाहिए, समझ रहे ना, उसमें मेरे को पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज को दोबारा से अपन क्रिएट करेंगे उस गिव अवे को, ठीक है। करूंगा मैं उसका भी गिव अवे, वो यूज में नहीं है मेरे अभी, ठीक है। और आज वाला गिव अवे है, इसका जो विनर अनाउंस होगा वो विनर अनाउंस होगा थर्सडे को, ठीक है। लेकिन क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, कहीं पे भी मैं बता सकता हूँ वीडियो के बीच में कहीं पे भी कि आज का गिव अवे क्या है, और कुछ फेक नहीं है, थर्सडे को 100% होगा। अच्छा गिव अवे है ये भी, जो फिटनेस फ्रीक है, है ना। तो पूरा देखिए वीडियो को, तभी तो मजा आएगा, अगर पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे मजा आएगा। और 75 डेज हार्ड चैलेंज तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, बहुत अच्छे तरीके से अभी वर्कआउट वर्कआउट भी। और आज का जो आज का शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा मैंने टफ बना दिया है, ठीक है। अभी मैं कर रहा था एक, मैं मतलब रनिंग वनिंग करना, उसके अलावा घर पे वर्कआउट कर रहा था, जिम नहीं जा रहा था दो दिन से। आज से तो क्या है ना, देखो मैं मॉर्निंग वर्कआउट किया है, अभी एक वर्कआउट का शेड्यूल करूंगा, फिर उसके बाद जिम जाऊंगा। लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज में दो टाइम वर्कआउट करते हैं, मैं तीन टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है कि मैं आने वाले टाइम में चार टाइम भी वर्कआउट करूँगा, ठीक है। मतलब क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल यही है, ठीक है। लोग बोलेंगे गलत है, बॉडी कैटाबॉलिक हो जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मैं मेरे को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना ही वर्कआउट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे जो न्यूट्रिशन कंजप्शन है वो अच्छा रहता है, कैलोरी इनटेक और सब कुछ ठीक ठाक रखता हूँ मैं, मतलब सब कुछ अच्छे से चलने देता हूँ, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाती है ना। तो जो भी है, इन सब चीजों को देखने के लिए आप बने रहिए चैनल में। और अभी क्या है, मैं एक वर्कआउट का छोटा सा सेशन करने वाला हूँ और उसको देखता हूँ, अगर हो सकता है तो रिकॉर्ड करता हूँ, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा ना, क्योंकि बोरिंग बनाना नहीं है मेरे वीडियो को, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। हाँ, गिव अवे के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चलिए बने रहिए व्लॉग में। हेलो दोस्तों, अभी मैंने घर से बनाया क्लिप, वर्कआउट किया, उसके बाद कॉल आया तो मेरे को फटाफट निकलना पड़ा, है ना। अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, अभी तो पहले मैं जा रहा हूँ, एक फ्रेंड है ना वो मतलब हमें छोड़ के जा रहा है, मतलब बीकानेर छोड़ के जयपुर जा रहा है थोड़े लंबे टाइम के लिए, तो सबसे मिलते हैं, एक छोटा सा मीटअप रखा है, उससे मिलने के बाद मेरे को जाना है बैंक, चेक कैश करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जहां भी जाएंगे आपको दिखाएंगे ना। और आज तो मैं सोच रहा हूँ ना यार, जिम का सेशन भी डालूं एक, तो उससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा मतलब फिटनेस का भी जो कंटेंट है अपने उसमें रहता है, रहेगा, मतलब बोलने का मतलब ये रहेगा,
क्योंकि अभी ऐसे लोगों को लग रहा है यार कि फिटनेस वाला नहीं डाल रहा, तो मैं क्या ना, मैं डालने में तो सबको डाल दूं, सिर्फ जिम जिम के ही डाल दूं व्लॉग, उसमें होगा क्या ना आप लोग बोर हो जाओगे यार, और मैं चाहता नहीं हूं कि बोर हो। और अभी मैंने माइक नहीं लगा रखा है तो इसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा, वरना यार पता है कि आवाज अच्छी नहीं आती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा मजा नहीं आता। अब मैं पूरा क्वालिटी कंटेंट में काम कर रहा हूं, ठीक है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी आई विल गिव यू बोथ, मतलब सब दोनों चीजें मैं एक साथ मिक्स करके आप लोग को सर्व करेगा, ठीक है। तो बने रहिए व्लॉग में, अगर उनको दिक्कत नहीं हुई तो उनको मैं आज मैं अपने व्लॉग में लेके आएगा और आपसे मिलवाएगा। चलिए सी यू। तो रिजॉर्ट में जा रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो रिजॉर्ट में पहुंचेंगे, अभी पहुंच के आप लोग को दिखाते हैं रिजॉर्ट के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा जो मैंने ये रखा है ना, ये अपना वीडियोग्राफर, ये बीकानेर से भाग रहा है, दो तीन क्राइम किए यहाँ पे इसने, अब इसलिए फिर पुलिस पीछे लगी हुई है तो बीकानेर छोड़ना पड़ रहा है, अब इसके बारे में रिवील नहीं कर सकते। दिस इज द लोकेशन गाइज, वी हैव अराइव्ड हियर, और ये है तेजा गार्डन। एसी में तो घर में बैठे रहते ना, गाड़ी में भी एसी में ही बैठे हुए थे, यहाँ थोड़ा सा नेचर का हवा खाना। यूट्यूबर सेटअप रखा है हमने, एक इसका ऐड चैनल गाइस टेक्निकल, ये टेक्निकल रिपोर्ट करूंगा अगर ऐसा होता ही नहीं, ऑप्शन नहीं होता ना भाई, कुछ रिपोर्ट क्या करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आइए आप लोगों को मिलाते हैं एक ऑडियो नॉट वीडियो। ये देखिए, ये बीकानेर के टाइकून, ओए टाइकून इनके यार, ये बीकानेर के बिलेनियर है ना, तो ये कहना इसको अगर वीडियो में ले लेंगे तो क्या होगा कि भाई इसकी प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाएगा इसके ऊपर। और क्या क्या देख रहा है, बंद कर वीडियो में आ रहा है फिर ले लूंगा साले, ध्यान रखना है ना। हम लोग आए हैं इस जगह पे, ये जगह है क्या है, इसका नाम है तेजा गार्डन। रिकॉर्डिंग होती होगी ना मेरे 8 की? नहीं होती, नहीं ओरिजिनल 4K है ना। कर दो कढ़ाई पनीर, लहसुन की चटनी देसी बनाते हो क्या? बिल्कुल भैया रेगुलर रहता है क्या? एक लहसुन की चटनी, एक कढ़ाई पनीर और अपने वेजिटेबल रायता। ये किसी को क्रॉप करना था इसलिए मेरे को ये ट्रिक यूज करना पड़ा रिकॉर्डिंग करने के लिए। और भैया एक मेरे लिए कर दो आप ब्लैक कॉफी, एक एक ब्लैक कॉफी कर देना और एक सैलेड कर दो, सैलेड में टमाटर थोड़ा ज्यादा रखना। देखो आपका नाम बता दो इसमें, बहुत फेमस लोग हैं हम लोग, मतलब मजाक नहीं कर रहे, सही में आप कॉल आने लगेगा, आप नंबर बता दोगे तो 10 लाख सब्सक्राइबर है इसके, सोच लो कितना फेमस हो जाओगे आप। अरे एक रायता हो गया, सैलेड बता ना, एक ग्रीन सैलेड ला देना, इसमें टमाटर थोड़ा ज्यादा रखना, ठीक है, टमाटर और प्याज ज्यादा। ओके दैट्स इट, अब यहाँ से फ्री हो गए हम लोग और अब वापस घर जा रहे हैं। ज्यादा कुछ जितना शूट किया ना वो सब डाल दिया मैंने, चलिए आगे कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, तो उनको छोड़ दिया है, उनके पास बाइक था तो उनको बाइक के पास छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे ट्रैफिक में वेट कर रहा है, ट्रैफिक हटने का मतलब अभी कहीं जा रहा हूँ, किसी ने बुलाया है, चलिए हट गया ट्रैफिक, एक सेकंड। खूब अलग से दे देना, वो तो आएगा ही कटोरी में। अरे नहीं तो ऐसे मत किया कर यार, डर जाती हूँ, कसम से हटा दे इसके ऐसे। भैया को डरा दिया, भैया आप डर गए ना सर, तो ये आदमी कहीं मुझे नहीं छोड़ेगा। देख थोड़ा सा रख यार, ऐसे मत कर यार। क्या रख? मंडी हटा दे यार, हटा ले यार, मेरे चिल्लाना भी तूने कर दिया क्या? मैं आगे बना रहा हूँ ना, तूने मेरे चिल्लाना भी ले लिया। हाँ। ऐसे डराते नहीं है पागल, कुछ नहीं किया मैंने तो, मैं डर गई इतनी बुरी तरीके। तुम डरी कि वो डर गए? वो भैया डर गए। मम्मी का पैक, मम्मी का बोल के तो आई हूँ, पानी पी के आई। मैंने इसको बता दिया तेरा बहुत मूड हुआ था मोमोज खाने का बट तूने खाया नहीं। मेरा मन कर रहा था लेकिन मैंने नहीं खाया। क्या हो रहा था? मन बहुत हो रहा था। क्या करने का?
अच्छा मुझे लगा मन की वॉइस हो रहा था उसका, छोड़ो ठीक है। तो बस हम फटाफट पैक कराते हैं और चलते हैं आगे दोस्तों, है ना। ये है हमारे शहर की रात के नजारे, मस्त लग रहा है। ये पंचायती सर्कल है, इसको पंचायती सर्कल बोला जाता है। कौन सर्कल बोला जाता है? पंचायती सर्कल। मेरे ठीक पीछे नेचर, नेचर व्हाट इज नेचर, बाटा के ठीक पास में नेचर। आदि आदि शॉप्स बंद हो गए ना, बट द थिंग इज दैट दे आर सो स्वीटेंड। और आदि शॉप्स तो बंद हो गई है ना? हाँ आदि शॉप्स बंद हो गई है, दे आर सो स्वीटेंड, सो मुझे थोड़े से कम पसंद है। किधर चली सवारी? आई एम राइट हियर। हां वहीं खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जस्ट छोटा सा ओवरव्यू है बीकानेर पंचायती सर्कल। दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। हेलो स्कूबी, गिव अवे क्या कर रहा है स्कूबी? स्कूबी गिव अवे नहीं है, स्कूबी क्या गिव अवे कर रहा है बता तो दे। अरे आज बोला था ना यार, आज बताना था, तो आज बताएं कि कब बताएं? स्कूबी आज बताएं कि कल बताएं? नहीं आज नहीं बताएंगे स्कूबी, क्योंकि अच्छा गिव अवे है, तो मेरे हिसाब से आज बताना चाहिए कि कल बताना चाहिए। ये काम जो तुम्हारा है ना, ये काम मैं तुम्हारा रिवील कर दूंगा ना, तो तुम्हारे किसी को फायदा हो जाएगा, वो काफी लोगों को नहीं, नहीं करना चाहिए ना। ऑफिशियल काम है रिवील। अच्छा अच्छा, तो गिव अवे के बारे में आज क्या बताना है, बताना चाहते हो? आज नहीं बताते हैं, कल बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बी पेशेंट। और एंड सारे क्लोज इवन That what we are gonna do in giveaway. तो क्या गिव अवे कर रहे हैं ये भी नहीं बताना क्या? यही तो बोली अभी मैं, चेन्नई से नहीं आती। जय हिंद बोल के यही भारत आजाद कर दूंगा, अभी ध्यान रखना। अंग्रेज नहीं। कल बताएंगे गिव अवे क्या दे रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज अपनी मैडम को क्लास में बताएं। जय हिंद है ना, मेरे सपोर्टर्स हो ना। एक तो बंटी कौन है, बंटी कौन है तुम्हारी बहन को? बंटी आई एम नॉट बंटी, माई नेम इज अभिनव। मेरे को बदनाम कर दिया है इस लड़की ने बंटी बंटी बोल के। एश कुबू, ठीक है तो फिर कल बताएं क्या, बताओ फाइनल बता दो। हाँ जी, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि गिवअवे का जो अनाउंसमेंट है वो बेसिकली कल होगा, क्या दिख रहा है ना, गिवअवे का अनाउंसमेंट कल होगा। तो अगर आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है या फिर गिवअवे जीतना है, तो कल का व्लॉग आपको पूरा देखना पड़ेगा। अभी पार्टिसिपेंट कम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्राइटेरियाज को पूरा करिए ताकि आप गिवअवे जीत सकें। और इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का गिवअवे होने वाला है, तो चैनल में बने रहिए। क्या पता किस चीज़ का गिवअवे कर दें हम, वो मेरा एक ईयरफोन काट चुकी है, दूसरा भी काट देगी। इसलिए गुड नाइट, शब खैर, शुभरात्रि, साइनिंग आउट।